पुणे में हुई रैली के दौरान शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया था। उन्होंने कहा था, मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा, अगर उन्होंने मुझे नकली संतान कहा तो मैं उन्हें अब्दाली बोलूंगा। इसी बीच उद्धव ठाकरे के इस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश के दुश्मनों का दुश्मन है अमित शाह। उद्धव ठाकरे कांग्रेस की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बार बार हिंदुओं को कष्ट देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है, देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है, देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे, देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। वहीं नित्यानंद राय ने बजट को लेकर कहा कि केंद्रीय बजट 2024 से साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। बजट में बिहार को प्राथमिकता दी गई है जिससे विपक्षी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 2047 का भारत कैसा हो इसको लेकर पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, जब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भारत की हो। विवेकानंद जी का सपना पूरा हो रहा है, प्रधानमंत्री विकास के भागीरथ हैं। और महाबोधि कॉरिडोर को विकसित करने का केंद्र सरकार की योजना जो है यह ऐतिहासिक फैसला है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुराना गौरव फिर से हासिल हो इसके लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। राजगीर के लिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके लिए भी केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक प्रयास करेगी। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके जरिए लाखों लोगों को न सिर्फ अस्थायी रोजगार मिलता है बल्कि इसके इलाकों की तीव्र गति से विकास भी होता है और वह विकास का मूल मंत्र भी साबित होता है। बजट में रोजगार सृजन का विशेष ध्यान दिया गया है जिसकी हम चर्चा किए हैं। केंद्रीय बजट में रोजगार के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उस संदर्भ में बिहार को अगर हम देखें तो बिहार को संघ करो और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं, 1,25,444 करोड़, जो 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। नित्यानंद राय ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन का ध्यान रखा गया है और इसके लिए 2,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए किया गया है। कोसी बाढ़ से निपटने के लिए सर्वे का काम भी इसमें शामिल है। ब्याज मुक्त राशि सहयोग के तौर पर 15,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए जाएंगे। केंद्रीय बजट में बिहार को बजट 2024 में तरक्की की राह दिखाने वाला है। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।